हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने इन्फ्लेशन का मीनिंग पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़े थे एंड थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन स्टडी की थी। ठीक है, सो सबसे पहले इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन का सिंपली मतलब है कि महंगाई होना, कि जो चीज़ आपको पहले सस्ती मिल रही थी अब वो महंगी मिल रही है। जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज का है वो प्राइस का लेवल है उनका, जो वो है इंक्रीज हो गया है किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो जाती है। सो कॉजेज क्या है इन्फ्लेशन के, कि क्यों होती है इन्फ्लेशन, इसकी वजह क्या है। सो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे फैक्टर्स ऑन डिमांड साइड। अगर हम डिमांड की साइड से देखें तो कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। एंड सेकंड हम स्टडी करेंगे कि सप्लाई पे, मतलब जो जो हमारे सप्लाई के फैक्टर्स हैं उसके साइड से हम देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स की वजह से जो हमारी इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। सो देखो, अगर हमारी कंट्री में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सबके पास बहुत बहुत पैसा है, तो सबके पास पैसा होगा तो इससे क्या होगा, हम डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। अब हमारे पास पैसा है तो हम चाहेंगे हम ये भी ले लें, वो भी ले लें, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी। गुड्स एंड सर्विसेज तो वही अवेलेबल है मार्केट में, है ना, और लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया तो वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, बट हमारी सप्लाई क्या है, कम है गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसकी वजह से क्या होता है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है और हमारी सप्लाई कम हो जाती है, और इससे जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज होती है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट के अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन की जो है सिचुएशन अराइज होती है। क्योंकि होता क्या है कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की वो इंक्रीज हो जाती है, जैसे ही जो डिमांड इंक्रीज होगी और हमारी उसकी वजह से जो है सप्लाई कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू डिमांड, और इसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर किस चीज़ पर लगाएगी, लाइक कि डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ में खर्च कर रही है अपना पैसा, है ना, तो उस वजह से भी जो है गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारा इंक्रीज इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स। अब क्या है कि कुछ बिजनेसमैन हैं वो ऐसे सोचते हैं कि अगर हम बिज़नेस करते हैं, कहीं पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अच्छा, उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं न्यू एंटरप्राइजेस में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड इंक्रीज होगी, एंड इसकी वजह से क्या होगा, हमारे प्राइस जो है राइज होंगे फैक्टर्स के, एंड द इंक्रीज फैक्टर इनकम रेज द एक्सपेंडिचर इन कंजम्पशन गुड्स। नेक्स्ट हमारा रिडक्शन इन टैक्सेशन। अब अगर गवर्नमेंट ने जो है टैक्स कम कर दिए या फिर किसी और वजह से जो है टैक्स कम लगना स्टार्ट हो गया, इससे क्या आएगी, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बच जाएगी। ठीक है, उनके पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है कि जो हमारे बेसिक से खर्चे होते हैं सारे वो काट के जो बाद में हमारे पास जो बचती है ना इनकम, जो हमें खर्चने के लिए, कि हम जो मतलब जैसे कुछ खरीद सकते हैं, हम एक्स्ट्रा चीज़ें ले सकते हैं, लग्जरी गुड ले सकते हैं, वो भी हमारी डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर हमारी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी तो उससे जो है गुड्स एंड सर्विसेज की हम डिमांड ज़्यादा करेंगे एंड जो इन्फ्लेशन होगा कंट्री के अंदर। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। पहले आपको पता होना चाहिए इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट का मतलब क्या है कि तो बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर कुछ आ रहा है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है, तो हमारा क्या हो गया, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी तब हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हम किसी और दूसरी कंट्री को भेज रहे हैं, वो हमारी क्या होगी, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होगा, अब जो हमारे कंट्री में प्रोडक्शन हो रही है, पहले वो क्या होता था, सिर्फ जो हम वो डोमेस्टिक लेवल पे जो है डिमांड फुलफिल करते थे उस प्रोडक्शन से, जो भी उनके पास गुड्स एंड सर्विसेज थी। अब क्या हो गया, उन्होंने वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे थे उन्होंने बाहर भेजना स्टार्ट कर दिया दूसरी कंट्रीज़ में, तो जो हमारी कंट्री के जो बंदे हैं उनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज कम होगी, क्योंकि वो अब कहाँ जा रही है, दूसरी कंट्रीज़ में जा रही हैं। तो एक तरह से क्या हो रहा है, हमारी सप्लाई कम हो जाएगी हमारी कंट्री के अंदर, बट जो डिमांड है वो तो वही रहेगी, तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, एंड हमारी क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन। नेक्स्ट हमारा इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर हमारी लाइक अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो
इससे क्या होगा, जैसे जितनी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात हमारी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी एंड कंजम्पशन लेवल भी इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट लेवल इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, नेट फॉरेन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा एंड इन सारों की वजह क्या बनेगी, इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमारा पेइंग ऑफ डेट्स। जब गवर्नमेंट पे ऑफ करती है अपने ओल्ड डेट्स टू दी पब्लिक, इससे क्या होगा कि परचेजिंग पावर लोगों की इंक्रीज होगी। जो पब्लिक है परचेजिंग पावर अगर उनकी इंक्रीज होगी तो वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, अब वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर सकते हैं, उनका कंजम्पशन लेवल है वो इंक्रीज होगा, जिससे हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी एंड दैट्स वाई जो हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ब्लैक मनी। ब्लैक मनी यानी तब हम कोई चीज़ मनी अर्न करते हैं इलीगल ट्रांजेक्शन करके, लाइक हमने टैक्स इवेजन कर दी या किसी भी तरह से हमने अगर लाइक किसी भी इलीगल वे से कोई भी हमने इलीगल काम किया है एंड उससे जो हमने मनी अर्न की है वो क्या होगी, हमारी ब्लैक मनी होगी। सो अगर हम ब्लैक मनी अगर इंक्रीज होगी, अब लगा लो आपकी कंट्री में सब क्या कर रहे हैं, ब्लैक मनी रख रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनका कंजम्पशन लेवल इंक्रीज होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, हैंस द प्राइस लेवल इंक्रीज, तो इससे क्या होगा, प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो ये थे हमारे फैक्टर्स ऑन डिमांड साइड। नेक्स्ट हमारे आते हैं फैक्टर्स ऑन सप्लाई साइड। तो फर्स्ट इसका हमारे अंदर स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी स्कार्सिटी होगी है, उनकी कमी होगी, उनकी शॉर्टेज होगी है, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि हम उतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। अब मान लो कि आपने कोई पेन बनाना है बट आपके पास इतना रॉ मटेरियल नहीं है, मैं आपको बोल दूँ 100 पेन बनाने हैं बट मैंने आपको जो है जो भी उसके अंदर लाइक कैप की जरूरत थी, इंक की जरूरत है, वो मैंने सिर्फ 50 पेन की दी, तो आप वो 50 ही बना पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं बना पाओगे। तो ऐसे ही अगर कंपनी के अंदर लेबर की कमी हो जाए, कैपिटल इक्विपमेंट्स की कमी हो जाए, रॉ मटेरियल की कमी हो जाए, इन सब चीज़ों की शॉर्टेज से क्या होगा कि जो प्रोडक्शन लेवल है गुड्स एंड सर्विसेज का वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उतनी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे और डिमांड तो हमारी वही है मार्केट के अंदर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमने प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा, प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन होगी। नेक्स्ट हमारा ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज। ट्रेड यूनियन अगर डिमांड करते हैं कि हमें ज़्यादा सैलरी दो, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो किसी भी तरह मान लो कि कंपनी मान जाती है कि चलो हम ना इनको सैलरी ज़्यादा दे देते हैं। इसके दो इफेक्ट होंगे, एक तो उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, अगर उनकी वेजेस इंक्रीज होगी, वो सक्सेस हो गए अपने इस काम में वर्कर्स, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो तो इंक्रीज नहीं हुआ। सो उनके पास एक तो पैसा आ गया, तो अब वो भी मार्केट में डिमांड ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, उनके भी उस एक तो हमारी डिमांड इंक्रीज हुई, सेकंड हमारी सप्लाई भी वही है, थर्ड यहाँ पे क्या है कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो उनका जो जो फैक्टर प्रोडक्शन उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब वो लेबर की कॉस्ट उनको क्या लग रही है, ज़्यादा लग रही है, क्योंकि वो वर्कर्स को भी सैलरी दे रहे हैं, है ना, तो उनकी जो है प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो भी अपना जो मार्जिन है वो ऐड करेंगे प्रोडक्ट के अंदर, तो इसकी वजह से जो प्राइस राइज होगा, प्राइस में इंक्रीज होगा, प्राइस लेवल में इंक्रीज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बोलेंगे, इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है कंट्री में राइज होगी। नेक्स्ट हमारा नेचुरल क्लाइमेटिस, यानी आप या फिर अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ये ज़्यादा है होता है कि जो हम खेती करते हैं, ठीक है, बारिश होगी ज़्यादा, हमारी जो जो भी हमने जो मतलब एक तरह से उगाया था वो सारा ख़राब हो गया, या फिर किसी भी तरह से आप मान लो कोई भी प्रोडक्शन हो रही थी कहीं पे, वहाँ पे कोई और ऐसी चीज़ हो जाए जिसका एडवर्स इफ़ेक्ट हो जाए, किसी भी तरह से हार्म हो जाए हमारे जो भी रिसोर्सेज थे, बाढ़ आ जाए आप मान लो, या फिर खेतों में सूखा पड़ जाए, इसकी वजह से क्या होगा, ये हमारे एडवर्स इफ़ेक्ट करेगी हमारी प्रोडक्शन को, कि ऐसी कंडीशन से क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई जो हमारी कम हो जाती है एंड हमारी डिमांड तो वही रहती है ना। सो इससे क्या होगा, हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी एंड इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है वो अराइज होगी। नेक्स्ट हमारा इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, ठीक है, अब क्या होगा कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे,
अगर जो भी हमारे क्या हैं, जो मान लो हमारी कंट्री के प्रोड्यूसर हैं, वो क्या कर रहे हैं, पहले वो सिर्फ क्या करते थे, जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज देते थे वो सिर्फ हमारी कंट्री में देते थे, अब वो दूसरी कंट्री में भी दे रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको, है ना। तो अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उनके लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज, उनके लिए जो स्टॉक बचेगा वो कम बचेगा, एंड वो कम बचेगा तो एक तरह से हमारी इकोनॉमी में क्या होगी, शॉर्टेज की सिचुएशन होगी, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा वॉर, कि किसी भी तरह से आप मान लो हमारे कंट्री के अंदर वॉर होता है किसी और कंट्री के साथ, तो जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी हमारा प्रोडक्शन रॉ मटेरियल है वो उनको दिया जाएगा, तो जो नॉर्मल सप्लाई एंड गुड्स है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक के लिए फिर जो कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज कम बचेगी वो वॉर के लिए, जो वहाँ के लिए जो है उनकी ज़रूरतों को ज़्यादा ज़रूरी है उस टाइम पर पूरा करना, तो वहाँ पर जो वो सप्लाई की जाएगी, और जो हमारी पब्लिक है इनके लिए वो सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होगी। इसके अलावा हम क्या और इसके अंदर पॉइंट लिख सकते हैं, इसके अलावा हम इसके अंदर जो लिख सकते हैं अलग से पॉइंट, या फिर इनके अंदर भी हम डाल सकते हैं। फर्स्ट है जैसे हमारा इंक्रीज इन सप्लाई, अगर हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम है और हमारी सप्लाई ज़्यादा होगी मनी की, तो उसकी वजह से होगा। देन अगर हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है गवर्नमेंट रेवेन्यू के कंपेरिजन में, देन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो भी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं उन पर डिपेंड करती है, रेन होगी, सूखा होगा, बाढ़ आ गई, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, इसको हम बोलते हैं सेटबैक टू प्रोडक्शन, वो चीज़ें अफेक्ट करेगी, हम उतनी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। कुछ चीज़ों के प्राइस जो है डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे नहीं, बल्कि जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, तो वो क्या करती है, हम आपने एक वर्ड टर्म सुनी होगी मिनिमम स्पॉट प्राइस की, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मिनिमम स्पॉट प्राइस में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है प्राइस सेट कर देती है मिनिमम की, इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, वहाँ पे जो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो प्राइस को सेट नहीं किया जाता, तो उसकी भी फिर क्या होगा, मिनिमम प्राइस होगा तो डिमांड उसकी भी ज़्यादा होगी। देन है हमारा अगर वेजेस एंड सैलरी में इंक्रीज हो जाता है, जो हमारी ट्रेड यूनियन है वो प्रेशर डालती है कि उनकी सैलरी को इंक्रीज़ किया जाए। देन हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, यानी प्राइस फिक्स कर देती है गवर्नमेंट फॉर एसेंशियल गुड्स। देन हमारा कि जो ऑयल के प्राइस है, अगर वो इंक्रीज़ हो जाते हैं तो इससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से जो हमारी अगर ट्रांसपोर्ट लाने में हमें पैसा ज़्यादा लग रहा है, उसमें ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, तो वो भी हम अपने प्राइस में ऐड करेंगे अपना मार्जिन, है ना। देन हमारा है कि इनडायरेक्ट टैक्स बाय गवर्नमेंट, देन अनफेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड, यानी हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो ज़्यादा हो गए इम्पोर्ट से, वो तो ठीक है सिचुएशन, बट अगर हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा होगी एक्सपोर्ट से, तो उस सिचुएशन में हमने प्राइस राइज करना पड़ेगा। देन हमारे मार्केट फोर्सेज की हम जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई है उसके बेस पे हम सेट कर रहे हैं। देन हमारी जो है एक्सपेक्टेशन राइज हो जाती है कि फ्यूचर में ना प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं उन चीज़ों की अभी डिमांड कर लेंगे कि हम ना अभी ले लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या है कि इस कोई भी आप गोल्ड लगा लो, कई बार गोल्ड के होता है कि भाई आने वाले टाइम में ना प्राइस राइज होने वाले हैं, तो अगर हमें पता होगा कि प्राइस जो है बढ़ने वाले हैं, तो उस चीज़ को हम अभी जो है लेना स्टार्ट कर देंगे कि पहले ही लेके रख लेते हैं, है ना। तो उस वजह से उस टाइम क्या हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, और जैसे डिमांड इंक्रीज़ होगी तो प्राइस भी हमारा इंक्रीज़ होगा एंड इन्फ्लेशन होगी, ठीक है। देन हमारा इंक्रीज इन अनप्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर, लाइक कि जो गवर्नमेंट देती, ग्रांट्स दे दी, सब्सिडीज दे दी, ठीक है, इन चीज़ों से भी अफेक्ट पड़ता है। देन डिमांड में थे हमारे इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी, हमारी डिस्पोजेबल इनकम अगर हमारी इंक्रीज हो जाती है, इन्वेस्टमेंट अगर हमारी जो है इंक्रीज हो जाती है, सप्लाई में आप और लिख सकते हो कि लेस प्रोडक्शन हमारी हो पाती है, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी हो जाती है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कि जो हमारे लेबर है वो स्ट्राइक पे चली गई, लॉकआउट हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करेंगी सप्लाई को। कोई भी टेक्निकल चेंजेस आते हैं, हमारे पास जो सफिशियंट रॉ मटेरियल नहीं है कि हम जो है प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, तो ये सारी चीज़ें जो है अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।